So now we are going to study a special ECG condition known as Wolff-Parkinson-White syndrome. Wolff-Parkinson-White syndrome को commonly हम लोग WPW syndrome भी बोलते हैं. यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि normally एट्रिया से ventricle में जो impulse होता है वो कैसे जाता है? वो आपका जाता है SA node से AV node में, AV node से फिर bundle of his में, bundle of his से फिर आपका चला जाता है लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में, फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर में चला जाता है. तो यहाँ पे उसके अलावा भी एक और पाथवे मिलता है जिसको कहते हैं बंडल ऑफ केंट. एक दिन हम लोगों ने पढ़ा भी था. तो सो और न्यू टॉपिक इज वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम. पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम आप लोग इसी को कहते हो WPW सिंड्रोम, नोन एज WPW सिंड्रोम. ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको डेल्टा वेव मिलेगी, टफ कुछ भी नहीं है. तो हम लोग पहले नॉर्मल देख लेते हैं. नॉर्मली जो वेंट्रिकल्स आपकी डीपोलराइज होती हैं, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज बाय इंपल्स वाया एवी नोड बंडल ऑफ हिस एंड देन परकिंजे फाइबर लिख लीजिए. ठीक है, ये नॉर्मल आपका वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन का तरीका होता है. लेकिन अगर मैं और एवी नोड में कहां से जाएगा, एसए नोड से जाएगा. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बाईपास पाथवे हो, चलिए एक डायग्राम के साथ देख लेते हैं. नॉर्मल सिनेरियो में यहाँ एसए नोड है, यहाँ पे एवी नोड है, एवी नोड के बाद फिर बंडल ऑफ हिस है, फिर आपके बंडल ब्रांचेस हैं राइट और लेफ्ट, फिर परकिंजे फाइबर्स हैं. यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि ये नॉर्मल आपका डिपोलराइजेशन सीक्वेंस होता है वेंट्रिकल का. एवी नोड में हम लोगों ने पढ़ा था ये यहाँ बहुत ही स्लो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, ये फिजियोलॉजिकल ब्लॉक कराता है जिसको कहते हो आप एवी नोडल डिले. एवी नोडल डिले का ये फायदा होता है एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक इम्पल्स रुका रहेगा एवी नोड में, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, है ना. दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स फिल होंगी मतलब डायस्टोल है, फिर उसके बाद जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि बीच में एवी नोड होता है ना. तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एवी नोडल डिले. लेकिन यहाँ पे मेरा कहना है कि एक और पाथवे आ गया है. सेम टू सेम डायग्राम बनाते हैं. मैंने कह दिया है कि ये सब ठीक है, यहाँ पे आपका एसए नोड है, एसए नोड से एवी नोड में इंपल्स आ रहा है, फिर बंडल ऑफ हिस में जा रहा है, फिर आगे चला जा रहा है. एक गड़बड़ यहाँ हो गई कि एक कोई पाथवे है, एट्रिया पहले डिपोलराइज कर रहे हैं, एक कोई पाथवे है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को आपस में कनेक्ट कर दे रहा है. ये एडिशनल पाथवे है या एबनॉर्मल पाथवे नोन एज बंडल ऑफ केंट. ठीक है, ये एबनॉर्मल फाइबर है, एबनॉर्मल पाथवे. तो अगर किसी पेशेंट में ये एबनॉर्मल पाथवे होगा, इसका मतलब क्या है, एवी नोड देखो यहाँ पे रोक के रखा था इंपल्स को क्योंकि एट्रिया पहले डिपोलराइज होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल जल्दी डिपोलराइज होने लगेंगे इस फाइबर की वजह से. भाई ये डिपोलराइज हुआ, ये डिपोलराइज हुआ, ये डिपोलराइज हुआ, तो इसका मतलब नीचे के डायरेक्शन में जो ये डिले कराया था उससे पहले ही, तो पहले एक इंपल्स इधर से जाएगी फिर ये नॉर्मल वाली इंपल्स जाएंगी. तो कुल मिला के यहाँ पे क्यू आर एस जो अपना मिल रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सेप्टम डिपोलराइज होता था, फिर एपेक्स डिपोलराइज होता था, फिर उसके बाद बेस डिपोलराइज होते थे. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पहले जो नेगेटिव आता था उसकी जगह, क्योंकि ये आपका बाईपास कर दिया किसको, एवी नोड को, तो डिले होने के बजाय उतना डिले नहीं हो पाएगा, एक पॉजिटिव वेव पहले आ जाएगी. अगर लीड टू की बात करें तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एंड होता है ना. तो लीड टू में या किसी भी डाउनवर्ड लीड में आपको
क्यू वेव एब्सेंट मिलेगी और इसके बजाय एक अप स्ट्रोक मिलेगा, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली रिपोलराइजेशन या एथलीट्स आर्ट में स्लरिंग ऑफ किसका होता था, एसटी सेगमेंट, यहाँ स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग ईसीजी बनाएंगे तो चलिए एट्रिया आपका सही डायरेक्शन में डिपोलराइज हुआ है ना, क्योंकि ऐसे नोड सिंपल सा रहा है। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इतना एरिया आपका एवी नोडल डिले की वजह से होना चाहिए था, फिर उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से टी वेव, क्यू आर एस यहाँ पे क्यू है फिर टी वेव है, ये तो आपका नॉर्मल एवी डिले हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हो ये डिले तो करा रहा है, लेकिन उससे पहले ही कुछ इम्पल्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेंट्रिकल्स के पास चली जा रही हैं। आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो भी डाउनवर्ड रखा गया है ना। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो इस सेप्टम के डिपोलराइजेशन से पहले ही कुछ वेंट्रिकल की वॉल डिपोलराइज होने लगेंगी, और आप देख रहे हो एब्रेंट पाथवे की वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्स आया है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में है, तो मतलब पॉजिटिव होगा। तो अगर किसी में बंडल ऑफ कैंट होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए सेम कलर से यहाँ पे आपका पी वेव मिला। अब इतना डिले कहाँ हो पाएगा, एवी नोडल इतना डिले हो ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे पहले ही थोड़ी सी जो है इम्पल्स वेंट्रिकल के पास पहुंच गई, कि इसके पहले सेप्टम डिपोलराइज हो या जब तक आपके रोक रखा था एवी नोड ने, उससे पहले ही इतना पहले ही थोड़ा सा वेंट्रिकल का पार्ट डिपोलराइज हो गया। अब इतना डिपोलराइज हो गया उसके बाद सारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा, तो ये आपका जो स्लरिंग हो रहा है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो क्यू नहीं आ रही है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और पहले आ जा रहा है। आप देख पा रहे होगे यहाँ तक एवी नोडल डिले होना चाहिए था, लेकिन जो एबरेंट पाथवे था उसने इतनी जल्दी इम्पल्स पहुंचा दिया। अब इसके आगे ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी क्यू आर एस नॉर्मल रहेगा। तो अगर कहीं पे स्लरिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है या अप स्ट्रोक ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो आप कह सकते हो ये एबरेंट पाथवे की वजह से हो सकता है, एंड दिस इज डेल्टा वेव, डेल्टा वेव आप इसी को कहते हो स्लरिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या अप स्ट्रोक। पहले तो क्यों आना चाहिए था, या नहीं भी आता तो कम से कम सीधा होता। यहाँ पे अगर एक हम लोग अलग डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया एक अप स्ट्रोक मिल गया है एवी नोडल डिले के दौरान, दिस इज नोन एज डेल्टा वेव, ठीक है, ड्यू टू बंडल ऑफ कैंट, बंडल ऑफ कैंट। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स थी जल्दी डिपोलराइज हो गई। तो अभी हम लोगों ने अर्ली रिपोलराइजेशन पढ़ा था, ये एक तरीके से हो गया लाइक अर्ली डिपोलराइजेशन सिंड्रोम, अर्ली डिपोलराइजेशन सिंड्रोम, सब लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं समरी, और आप ये भी देख सकते हैं जो क्यू आर एस होगा आप थोड़ा सा वाइड हो जाएगा क्योंकि पहले से ही वेव आनी शुरू हो गई है। तो समरी ऑफ डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम, समरी ये है कि डेल्टा वेव मिलेगी और वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलेंगे क्योंकि पहले से ही शुरू हो गई वेव, ये इतना है। ट्रीटमेंट होगा एबरेंट पाथवे को आप रिमूव कर दीजिए, ट्रीटमेंट रिमूवल ऑफ एबरेंट पाथवे मतलब बंडल ऑफ कैंट, दैट इज बंडल ऑफ कैंट, या इसकी वजह से एरिथमिया हो सकता है तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स एग्जाम्पल प्रोकेनामाइड, प्रोकेनामाइड। सो दैट्स ऑल अबाउट वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम।